Hello, what is up everyone? So, welcome back to our test series of polynomial chapter number 2 of Mathematics class 10. So now it is the time for our question number 2. So, presenting to you our question number 2 for 2 marks, and now let's see this. Okay. सो so, क्वेश्चन में हमें सिंपली एक पॉलीनोमियल गिवन है उसके बाद अब हमें उसका रिलेशनशिप शो करना है बिटवीन द जीरोस एंड द को फिश लेकिन एक दिक्कत है कि इसमें उन्होंने जीरोस हमें दिए हुए नहीं है तो हमें सबसे पहले जीरोस फाइंड करना है और उसके बाद हम वेरीफाई कर पाएंगे रिलेशनशिप अब जीरोस फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइज करेंगे बाई यूजिंग द मैथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सो यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है थ्री रूट थ्री तो हमें इसे ऐसा स्प्लिट करना है ऐसा तोड़ना है कि इसका जो सम होगा वो उन दो टर्म्स का वो थ्री रूट थ्री हो और जो प्रोडक्ट हो वो माइनस ट्वेल्व हो लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है क्योंकि वो थ्री रूट थ्री है लेकिन हम थोड़ा सिंपल सा लॉजिक यूज़ करके इसे बहुत सिंपल बना सकते हैं तो हमें क्या लॉजिक लगाना है तो हमें ये देखना है कि वहाँ पर रूट थ्री है तो हमें ये देखना है कि दोनों हम जब स्प्लिट करेंगे तो हमें दोनों टर्म्स में रूट थ्री लाना है ताकि जब हम उसे मल्टीप्लाई करें यानी कि रूट थ्री मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री तो हमें एक नेचुरल नंबर दे देगा जो कि ये थ्री आएगा राइट सो तो ये पहला लॉजिक कि दोनों टर्म में हमें रूट थ्री चाहिए ठीक है अब अब हमें ये देखना है कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए माइनस ट्वेल्व चाहिए और हम थ्री तो ऑलरेडी लाए रहे हैं रूट थ्री और रूट थ्री से थ्री so, ऑलरेडी है हमें माइनस ट्वेल्व चाहिए तो so, थ्री में क्या मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस ट्वेल्व मिल जाए यस yes, हमें इसे फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट सो अब हम इस तरह से इसे स्प्लिट करेंगे सो वी विल गेट जेड स्क्वायर प्लस फोर रूट थ्री जेड देन माइनस रूट थ्री जेड एंड देन माइनस ट्वेल्व सो हमने उस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है जिससे उसका प्रोडक्ट माइनस ट्वेल्व है और जिसका सम थ्री रूट थ्री है ओके okay? तो इस तरह से हम स्प्लिट कर सकते हैं नाउ अब हम दो दो टर्म्स के बीच में कॉमन लेंगे सो so, पहले टू टर्म्स में z कॉमन आएगा एंड देन इन ब्रैकेट वी विल गेट z प्लस फोर रूट थ्री ओके एंड नाउ इस वाले दोनों दो टर्म्स में हमारा कॉमन आएगा रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री बाय सो माइनस रूट थ्री कॉमन

So, अब हमारे पास जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं अब हमें सिंपली बस रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है ओके okay? सो so, सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यूज़ देख लेते हैं सो so, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है इसमें ए की वैल्यू क्या होगी वन एंड देन बी की वैल्यू थ्री रूट थ्री एंड देन सी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व सो ए बी एंड सी की वैल्यूज़ है नाउ आर फर्स्ट रिलेशनशिप इज सम ऑफ जीरोस तो सम ऑफ जीरोज इज़ इक्वल टू माइनस बी बाय ए ओके सो हमारे जो दो जीरोज है पहले हम उसका सम कर लेते हैं तो हमारे पास है माइनस फोर रूट थ्री एंड देन प्लस रूट थ्री विच वुड गिव अस माइनस थ्री रूट थ्री सो ये जो माइनस थ्री रूट थ्री है वो किसके इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाय अब अगर हम देखें तो हमारी बी की वैल्यू क्या थी येस इट वॉज थ्री रूट थ्री तो हमने वो देखा एंड ए की वैल्यू क्या थी इट वॉज वन सो हियर यू कैन सी दैट दीज टू थिंग्स आर इक्वल माइनस थ्री रूट थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री सो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया कि ये इक्वल है ओके ना आर सेकेंड रिलेशनशिप विच इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सो आर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए ओके सो अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे दोनों जीरोज को तो वी विल गेट माइनस फोर रूट थ्री इन टू रूट थ्री Which would give us minus 12, सो माइनस ट्वेल्व किसके इक्वल होना चाहिए सी बाय के इक्वल होना चाहिए अब नाउ सी के वैल्यू क्या है माइनस 12 हमने ऑलरेडी देख लिया तो सी की वैल्यू माइनस 12 है और ए की वैल्यू वन सो हियर यू कैन जी कि अगेन ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो हमने वेरीफाई कर दिया तो so, हमारे दोनों रिलेशनशिप्स वेरीफाई हो चुके हैं वेरी सिंपली सो दट्स इट एंड नाव इट इज अ टाइम To give marks to yourself, and by the way, this was a two mark question. So that's it, and now go ahead and join me in the next video. Thank you very much for watching.